नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के रोडवेज स्थित एक होटल में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रामन ने बैठक कर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। बूथ सेक्टर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान चंद्रशेखर रावण ने कहा कि पिछले 2 साल में पार्टी ने मजबूती से काम किया है और बूथ सेक्टर को मजबूत किया है। पिछले कई दिनों से इटावा, उन्नाव, सीतापुर जैसे जिलों में उनके दौरे हो चुके हैं। आज आजमगढ़ में हैं, कल मऊ में रहेंगे। लगातार बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए संघर्ष जारी है। वहीं उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहन मायावती के किए गए कार्यों को भी याद किया और कहा कि जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम ने कार्य किया है, उसी प्रकार से बहन मायावती ने भी काम किया है, लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है जिसकी जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी ने उठाई है और उसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तरीके से अपने को तैयार कर रही है। कहा पर वह मजबूत स्थिति में है और कहा अभी और काम करना बाकी है, इसको देखा जा रहा है। सुनते हैं चंद्रशेखर रामन ने क्या कहा। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेके उत्तर प्रदेश में हम लोग दौरे कर रहे हैं, जिसमें इटावा, उन्नाव, सीतापुर, आज आजमगढ़ है और कल मऊ में जो है हमारी जनसभा है, जिला स्तरीय कार्यक्रम जनसभा का, और ये भी पूरे उत्तर प्रदेश में चलता रहेगा। क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने ज़मीन पे बहुत मजबूत बूथ सेक्टर का संगठन बनाने का काम किया है और पार्टी चुनावी मोड में चुनावी तैयारियां कर रही है, इसलिए ये सम्मेलन चल रहे हैं। इसी के आधार पर पार्टी तय करेगी पार्टी किन सीटों पर लड़ेगी और किन सीटों पर पार्टी मजबूत है, किन सीटों पर पार्टी को और काम करना बाकी है। इसी के लिए समीक्षा के आधार पे ही ये मीटिंगें हो रही हैं। बाकी स्टेट की कम जो पार्टी की स्टेट की जो लीडरशिप है वो जो तय करके भेजेगी, उसी पे राष्ट्रीय टीम जो है ना फैसला लेगी। मायावती जी ने अपने एक बुक जारी की है, ब्लू बुक। देखिए आदरणीय बहन जी बहुत सम्मानित हैं, सबसे प्रथम तो आज उनका जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूँ और उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। कुदरत उनको दीर्घायु रखे, स्वस्थ रखे और उनका आशीर्वाद हमेशा की तरह जैसे अब तक हमें मिलता रहा, हमें सबको मिलता रहे। और क्योंकि अपने जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष करके हम लोगों को बहुत ताकत दी, आज अगर इसी स्थिति में हम लोग हैं तो उसके लिए भी उनका बहुत बड़ा, मान्यवर काशीराम साहब के साथ साथ बाबा साहब के साथ उनका भी एक योगदान है। लेकिन अभी कार्य पूरा नहीं हुआ, जो अधूरा कार्य है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम लोगों ने कंधे पर उठाई। आज उनके जन्मदिन के दिवस पर हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि हम सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का जो आंदोलन अभी अधूरा है उसको पूरा करके ही रुकेंगे और बिना डरे, बिना झुके, बिना बिके, निडर होके जब तक हम लोग हैं अपने खून का एक कतरा इस आंदोलन को कामयाब करने के लगाएं। क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब के संघर्षों का आंदोलन है, इसको हम कामयाब करना ज़रूरी है। इंडिया अलायंस या कोई भी अलायंस बनेगा तो वो अपनी तैयारी को देख के बनेगा। वो मैं फिर आपसे कह दूं कि अचानक से मैं आपको कोई बात कहूं, हमारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और कुछ फैसले पार्टी की स्टेट की और सेंटर की लीडरशिप को लेने। मैं तो पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, पार्टी का कोई आदेश होगा आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन देखिए, उन्होंने जो कुछ कहा बहुत अपने अनुभव से कहा होगा, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद ने जो राजनीति शुरू करी वो अपने निजी हित देख के नहीं, इस समाज की हालत देख के तय की, शुरू की। जो कमज़ोर वर्ग है, बहुजन समाज जो है, उनकी हालत देख के राजनीति शुरू की और जब तक इनके हालातों में परिवर्तन नहीं होता, इनको सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक हम लोग इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे। पुनः मैं बहन जी को जो है जन्मदिन की बधाई और मंगल कामनाएं भेंट करता हूँ। देखिए, मुझे तो अभी नहीं मिला है। वैसे मैं स्पष्ट कर दूं कि धर्म आदमी का विशेष अधिकार है,
आप किसी भी धर्म को माने। ये अगर ये कोई धार्मिक आयोजन होता शायद मैं उस पर अपनी बात करूं। ये भाजपा का कार्यक्रम है क्योंकि भाजपा ही निमंत्रण भेज रही है, भाजपा ही निमंत्रण जो है के संदेश पे चर्चा कर रही है। भाजपा के निमंत्रण पे मैं समझता हूँ कि भाजपा के निमंत्रण पे कोई भी बात कहना मैं इसको सही नहीं समझता, तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे ऊपर पास निमंत्रण आएगा तब मैं उस पर अपनी बात रखूँगा। कुछ भी होगा तो आपके सामने होगा। हमेशा हमारा तो हमने उन्हीं से बहुत कुछ सीखा उस दल से, और हम उस दल में बहुत लंबे समय रहे, उनके लिए काम किया। अब जो बचा काम है आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम लोग बहुजन समाज के हित में पूरा करेंगे। थोड़ा पीछे पीछे वाले को ऐसे हाथ करो, जिस हाथ ऐसे ना वो जगह पीछे ले लो, थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक ठीक। चलो, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत को अपन सर्वोच्च सम्मान, समाजवादी समाजवादी, मत निरपेक्ष मत निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, समस्त नागरिकों को सामाजिक सामाजिक, आर्थिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय और राजनीतिक न्याय, विचार विचार, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति, विश्वास विश्वास, और उपासना की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा और अवसर की समता और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। पहले वाले भाषण पे आते हैं, इस देश में खूनी क्रांति हो जाएगी। अब एक संत अगर खूनी क्रांति की बात करता है तो क्या संत हो सकता है? अगर एक संत ये कहे, वैसे तो वो सुबह शाम हमें हिंदू रटाते कि साहब हम हिंदू हैं, फिर वो दलित पिछड़े वर्गों को 2% सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल रहा, कितने परसेंट है? नौकरियां 100% है, सेक्टर जो है पूरा वो 100%, उसमें 2% सरकारी नौकरी, 98% प्राइवेट सेक्टर है, समझ रहे हो? जैसे ये पूरे उसमें ये एक कमरा, ये कमरा बहुत बड़ा है, इसमें भी एक दुकान टाइप, एक बाथरूम टाइप जगह, 108 काशीराम साहब हमारे लिए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, तो गुरु का दर्जा माता पिता के दर्जे से बड़ा है, और हम मान्यवर काशीराम साहब को अपना गुरु मानते हैं, पिता से भी बड़े हैं हमारे लिए। अगर कोई उनके लिए अपशब्द कहेगा तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं। अगर इस देश में अन्य धर्मों की भावनाएं तो हमारी भी भावनाएं हैं। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।